टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है, युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है, लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं, पर इंडिया इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। गाइस आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। टोक्यो ओलंपिक में हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रोंज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रोंज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। गाइस आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।